शुरू करें क्या? हेलो, जी भाई साहब, आप स्टार्ट कीजिए। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आप सभी को अड़मो जिड़ाड़म। आज पहला दिन है हमारी कक्षा का और आप सभी का इस ई शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने जैन न्याय पढ़ने की इच्छा जाहिर की है और उसके लिए पुरुषार्थ किया है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। जैसा कि मुझे सूचना दी गई है कि हम लोगों को जैन न्याय क्या है, इसके बेसिक्स क्या हैं, इन सब विषयों पर बहुत अच्छे से यहाँ चर्चा करनी है। प्रायः लोग न्याय शब्द सुन करके घबरा जाते हैं, तो हमको वो घबराहट मिटानी है अपनी और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। तो आज हम मंगलाचरण से सबसे पहले प्रारंभ करेंगे और कल से कोई ना कोई विद्यार्थी मंगलाचरण करके प्रारंभ करें। आज मैं करता हूं, कल से कोई ना कोई विद्यार्थी मंगलाचरण करके अपनी कक्षा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। धम्मो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम Recording नमस्सन्ति जस stopped. धम्मे सयामणो। देखिए, हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। अगले Recording in लगभग सात आठ progress. दिन तक आप सभी इस कक्षा के माध्यम से जैन दर्शन का जो महत्वपूर्ण विषय है, जैन न्याय, इसको भली भांति समझेंगे। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक इसके उद्देश्य को समझते हुए और अपने जीवन में इसके ज्ञान की अनिवार्यता का अनुभव करते हुए कि न्याय विद्या जानना कितना जरूरी है, यह अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ें। इस कक्षा में अगले कुछ दिनों में हम लोग एक-एक शब्द और उसकी परिभाषा पर भी विचार करेंगे। आज हम सबसे पहले ये चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं कि आखिर न्याय विद्या की जरूरत क्या है और ये न्याय विद्या क्या है, कितनी प्राचीन है, इसको जानना क्यों आवश्यक है, ये क्यों प्रयोजनभूत है, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। अगर हम न्याय शास्त्र को न पढ़ें, न जानें, तो क्या हानि हो सकती है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं न्याय विद्या को, तो उनके साथ क्या समस्या है, इत्यादि इत्यादि बातों पर आज हम यहाँ विचार करेंगे। और न्याय शास्त्र को व्यवहारिक भाषा में समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग न करूं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग संस्कृत के, प्राकृत के विद्यार्थी हैं और हमारा जो तत्व ज्ञान है इन दो भाषाओं में निबद्ध है। तो बहुत सारे तकनीकी शब्द, टेक्निकल टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका एज इट इज हम अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम कोशिश करेंगे उसको हिंदी में समझने की। है तो वो मूलतः संस्कृत में, तो हम उसको हिंदी में समझेंगे।
हम उसके भाव को समझ लेंगे तो अभी अपने आप उसका अर्थ आप लगा सकते हैं। शब्द वही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मूल ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जब आचार्य प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो उन्हीं शब्दों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो अगर हम वो शब्द सुनेंगे ही नहीं और उनके संस्कार अपने कानों में नहीं डालेंगे, तो फिर कैसे बात समझ में आएगी? आप ये समझ लो, अगर आपने न्याय शास्त्र का अभ्यास प्रारंभ कर दिया तो आपके जीवन व्यवहार में भी उन शब्दों का प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा, और फिर उसका भाव, अर्थ और उसका प्रयोजन आप समझना हम लोग सब लोग शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये न्याय विद्या क्या चीज है। एक तो न्याय विद्या बहुत प्राचीन विद्या। हमारा जो भारत देश है, यहां पर विविध प्रकार का चिंतन प्राचीन काल से चलता आया है, और आज तो नहीं लेकिन पहले प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, इन्होंने न्याय शास्त्र का प्रणयन किया है। और क्यों किया, उसकी क्या जरूरत पड़ी, विशेषकर हम लोग जैन आगमों के दृष्टि से देखेंगे तो हमारे लगभग सभी आचार्यों ने प्रमाण शास्त्र का महत्व बतलाया। और न्याय शास्त्र शब्द से आप समझ लिए, न्याय माने क्या होता है, जो दुनिया में जगत में अर्थ प्रसिद्ध है, जैसे आप न्याय का अर्थ न्यायालय से भी लगाते हैं, कोर्ट, कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं न्यायालय, और जो जज होता है उसको हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं। आपने कोर्ट के उधर एक मूर्ति लगी देखी होगी, एक तराजू लेकर के एक महिला खड़ी है और वो तौलती है, ऐसा लगता है कि न्याय, न्याय की देवी उसको कहते हैं कि हम यहाँ न्याय करने के लिए आए हैं। और उस पूरी जुडिशरी में सारी न्याय पालिका, उसका नाम भी न्यायपालिका है, तो आपने देखा ना, तो न्याय शब्द ऐसा तो है नहीं कि कोई नया शब्द है, हमने सुना है, न्यायाधीश भी बोलते हैं, न्यायपालिका भी बोलते हैं, और न्याय शब्द है ही कि हमारे साथ न्याय हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया। अब इसी उदाहरण से एक बात समझें कि एक व्यक्ति ने एक अपराध किया और वो जेल माने जज के सामने आ गया। अब उसने चूंकि वास्तव में अपराध किया था और उसको वहां सिद्ध भी हो गया प्रमाणों के साथ ये इसने अपराध किया है, फिर वो न्यायाधीश ने उसको सजा भी सुना दी, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछना, वो हमेशा यही कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जेल हो गई, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, ऐसा ही बोलता रहे, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ। वो छूट जाता ना तो उसको कहते कि उस वो कहता मेरे साथ न्याय हुआ, लेकिन चूंकि जेल हो गई, सजा हो गई, तो वो कहता मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ ऐसी ही स्थितियां हम लोगों के साथ भी बनी हुई है। मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, आत्मानुभूति के मार्ग में, रत्नत्रय पर चलते समय भी हम लोग अपने पाप कर्मों को जस्टिफाई करते फिरते हैं कि ये तो क्या करते हैं, मेरी मजबूरी थी और ऐसा, तो हमें तो पाप नहीं लगना चाहिए, लेकिन न्याय तो न्याय है। और सबसे बड़ा न्याय कहाँ होता है, हमारे कर्मों की दुनिया में सबसे बढ़िया न्यायालय चल रहा है, वहां सही न्याय होता है, ना ऊंच नीच देखी जाती है, ना छोटा बड़ा का भेद किया जाता है, जिसने जैसे भाव किए हैं नियम से उसको वैसे कर्मों का बंधन होता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा भी जी। तो कर्मों की जो अदालत है वहां कभी भी अन्याय नहीं होता है, वहां न्याय ही न्याय होता है।
अब हमने चूंकि न्याय शब्द बहुत सुना है, लेकिन आज हम जिस न्याय की चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध बिल्कुल वैसा तो नहीं है जैसा लॉ माने कानून से संबंधित, बिल्कुल वैसा तो नहीं है। वो तो लौकिक क्षेत्र में सही गलत का निर्णय करने के लिए आपने ये पद्धतियां सुनी तो होंगी, देखी होंगी, और हमारे साथ जुड़े हुए जो यदि कोई वकील होंगे, न्यायाधीश होंगे, तो वो भी इस चीज को भली भांति समझते होंगे कि कितना न्याय के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में भी कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है, और वहां युक्ति पूर्वक कथन होता है, तर्क दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ प्रमाण भी दिए जाते हैं। प्रमाण शब्द का प्रयोग भी हो जाता है कि इसके लिए क्या प्रमाण है, आप कोई प्रमाण लाइए, जिसको हम उर्दू में सबूत बोलते हैं कि बिना सबूतों के हम कैसे बात को माने। तो जब हम न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहां भी प्रमाण की जरूरत पड़ती है। बिना प्रमाण की चर्चा किए हम न्याय शास्त्र का कथन नहीं कर सकते। प्राचीन काल में हमारे जितने आचार्य महामनीषी हुए हैं उन्होंने न्याय को ऐसा बतलाया है कि ये सभी विद्याएं, जितनी भी जगत में विद्याएं हैं, इन सभी को प्रकाशित करती है न्याय। ये एक तराजू का काम करती है, सही और गलत का निर्णय करने का हमको मौका देती है। हम चाहें तो न्याय के माध्यम से वस्तु तत्व का निर्णय कर सकते हैं, और हमको ऐसे टूल्स दिए गए हैं न्याय के क्षेत्र में, न्याय विद्या में, कि यदि हम उन टूल्स का यूज सही तरीके से करना हमको आ गया तो हम दूध का दूध, पानी का पानी करने में हमेशा समर्थ रहेंगे। ने हमारे पास एक तराजू जरूर होना चाहिए, इसको हम कह सकते हैं अध्यात्म के क्षेत्र का तराजू, दर्शन के क्षेत्र का तराजू, कि हमें तौलना आना चाहिए। कोई कहता है कि हमें न्याय शास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कठिन कठिन शब्द इसमें हैं, इसका अर्थ भी लगाना कठिन होता है और इसमें वाद विवाद भी बहुत होता है, तो हमारा उपयोग भ्रमित होता है, हमारे बहुत विकल्प बनते हैं मन में, तो बहुत टेंशन होती है, इसलिए हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, ऐसा भी बहुत सारे लोग विचार करते हैं। और वो ये भी विचार करते हैं कि हमको तो अपनी आत्मा की अनुभूति से मतलब है, और ये न्याय शास्त्र के माध्यम से संकल्प विकल्पों में क्यों उलझना, जब हमको सीधे सीधे तत्व ज्ञान हो गया है तो हम उस पर ही चलें, समय भी बहुत थोड़ा है, हमको ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो आज उन सब के लिए इस महत्वपूर्ण विषय को हम इसलिए उठा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपको बहुत गंभीरता से विचार करना है कि कहीं न्याय शास्त्र की उपेक्षा करके हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे जितने भी आचार्य हुए उन सब ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा है कि जब तक परीक्षा ना कर लो तब तक चीज को ग्राह्य मत, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन परीक्षा की विधि हमको आना चाहिए। और क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे पूरे मनुष्य जन्म का खतरे में पड़ सकता है, हमारा ये पूरा भव खराब हो सकता है यदि हमने गलत धारणा विकसित कर ली, और हम हमेशा उसको सही समझते रहेंगे और अंत में परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत जान करके, समझ करके, निर्णय करके तत्व पर श्रद्धान किया जाता है। इसलिए आचार्यों ने बहुत बहुत बातें कही, आपको क्या बताऊं मैं, मैंने सिर्फ जैन परंपरा में नहीं बल्कि जो न्याय शास्त्र की परंपरा है भारत में वहां भी उसको बहुत उपयोगी बतलाया है। आचार्यों ने कहा है, एक न्याय शास्त्र के आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है, प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्मणाम
आश्रय सर्व धर्माणाम विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। वो ये कहते हैं कि न्याय विद्या समस्त विद्याओं की प्रकाशक है, यानी दुनिया में जितनी विद्याएं हैं उनको प्रकाशित करने वाली विद्या न्याय विद्या है, और ये सभी धर्मों का आधार है। माने जितने भी गुण धर्म होते हैं या जितने भी संसार में धर्म, उन सब का आधार है। अगर धर्म तत्व का निर्णय करना है, किसी भी चीज का निर्णय करना है, तो न्याय शास्त्र के बिना वो बात हो नहीं सकती। एक दो उदाहरणों से और इसकी आपको थोड़ी कीमत समझाता हूं, ताकि हमारी इसमें रुचि अच्छे से लग जाए कि हमको ये समझना है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है और मेरा काम चल रहा है, मुझे तो पूरा समय सार भी याद हो गया है, उसका भाव भी ख्याल में आ गया है, लेकिन न्याय शैली मुझे पसंद नहीं है तो मुझे चल रहा है काम, ये बात वैसी हो जाती है जैसे आप एक निर्णय करो। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, व्यवहारिक भाषा में थोड़ा समझते हैं, तो कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका माप तौल करवाते हैं कि भाई ये जो जिस वजन की वस्तु हम ले रहे हैं उतने वजन की है कि नहीं है, या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो वो मीटर से नापने लायक है, मीटर से नापो कितने मीटर खरीदा है वो है कि नहीं, कोई लिक्विड खरीद रहे हैं तो हम उसको लीटर से नापते हैं कि ये कितने लीटर है, ये कैसे पता चलेगा आप बताओ। तो उसके लिए कुछ ना कुछ माप निर्धारित होता है ना जगत में। जैसे पूरी दुनिया में इन सब समस्याओं के समाधान के, जैसे आपने, हम में से जो बहुत पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि पहले, बहुत पहले गांव देहात में भी नापने के यंत्र का प्रयोग ज्यादा नहीं होता था। जैसे किसी ने कहा कि मुझे ये अनाज चाहिए, तो वो एक बर्तन होता था, उसको नाप के दे देते थे, बल्कि एक इतने नाप का अनाज इतने रुपए का, तो उसको नाप के दे देते। और कोई भी हो, माने छोटा, मान लीजिए जीरा बिक रहा है, तो आपने कई बार आज भी गांव में देखा होगा उनके पास एक गिलास होता है, और वो गिलास को भर के बोले 5 गिलास दे देंगे हम, 1 गिलास इतने रुपए का, उन्होंने अपने हिसाब से उसका मापदंड और रेट तय कर रखे। तो ये सब तो काम चलाने वाली बात हो गई। कोई कहे कितने ग्राम है, तो बोले ये नहीं मालूम, इतने गिलास। अच्छा, उस गिलास का अगर रेट तय हो जाता है कि मान लीजिए ये 50 रुपए का एक गिलास, तो अगर गिलास के हिसाब से चलेंगे तो सबके गिलास अलग अलग है हर दुकान में, तो फिर हम कैसे निश्चित करेंगे कि इतना, इतनी मूल्य की इतनी वस्तु हमारे पास आ गई। यानी इसके लिए भारत सरकार ने एक विभाग बना रखा है, माप तौल विभाग, एक विभाग है, और वो ये निर्णय कहता है कि आप कुछ भी करो, ये चीज हम फिक्स करेंगे पहले कि 1000 ग्राम का 1 किलो होगा, और ये 1000 ग्राम ये कहलाता है, और इसको तोलो तो ये 1 किलो कहलाता है, इसी तरह इतने मीटर इतने लीटर का ऐसा होता है। फिर उसके बाद उन्होंने उस मापक के यंत्र बना रखे कि लीटर कैसे नापा जाएगा, किलो कैसे तोला जाएगा, मीटर कैसा होगा, ये उन्होंने अपने तय कर रखे। और फिर उन्होंने इसको, वो कहते हैं ये प्रमाण है, यानी 1 मीटर इतना होता है, ये स्केल है और इसका ये प्रमाण है। अब दुनिया को जो चीज नापनी है नापो, अगर इसके अनुसार ठीक है तो ठीक है, और यदि इसके अनुसार ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। माने एक मानदंड तो कहीं निश्चित करना पड़ेगा ना। इसी तरह हमारे जैन शास्त्रों में भी, यानी धर्म दर्शन के शास्त्रों में भी, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, इसका निर्धारण करने के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए। जैसे सरकार ने किए ना, वैसे सब दार्शनिकों ने मिल करके एक मापदंड बना दिया है कि ये सब तराजू है, इस तराजू पे आप तौल लेना, जिस किसका कम है किसका ज्यादा है, और उस हिसाब से हम लोग निर्णय कर लेंगे। क्योंकि ऐसे तो सही गलत का निर्णय कभी हम नहीं कर सकते,
कि सब लोग अपने अपने घर पर अपनी अपनी बात बोलते हैं, वो कहते हैं हमारी बात सही है, सब बोलते हैं, कौन कहता है मेरी बात गलत है। मैं इस बात को इसलिए इस भाषा में समझा रहा हूं कि आप इसको जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे आप दुकान में गए, बाजार गए कोई चीज खरीदने, तो हर दुकानदार अपनी चीज को श्रेष्ठ बतलाएगा कि मेरी सबसे बढ़िया वस्तु है। कभी कोई दुकानदार आपको ऐसा मिला जो कहेगा नहीं मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बगल वाले की ज्यादा अच्छी, या मेरे यहाँ कम क्वालिटी है उसके यहाँ ज्यादा अच्छी क्वालिटी, कोई नहीं कहेगा। उनसे तो ये आप अपेक्षा मत रखो कि वो ये कह देंगे कि मेरी अच्छी नहीं है, बल्कि सही दुकानदारी ये है कि आपका माल चाहे जैसा भी हो आप उसको जगत में श्रेष्ठ बतलाओ। तो हर दुकानदार का ये गुण धर्म है कि वो उसकी प्रशंसा करे। अब हमको सबकी बात सुननी है, हर दुकान पे जाते हैं सुनते हैं, वो अपनी बात सब अच्छी अच्छी बतला रहे, तो अब हम क्या करें, किसको प्रमाण माने, किसकी बात को सही माने और किसकी बात को गलत, क्यों निर्णय करना है, क्या जरूरत है इसकी। बोले इसकी इसलिए जरूरत है कि मेरा अहित ना हो जाए, मैं जो वस्तु खरीदूं वो उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, सही उसका मूल्य होना चाहिए और सही चीज उसकी जो तौल है वो भी सही आना चाहिए। तो इस चीज का निर्णय हमको करना है, दुकानदार नहीं करता है निर्णय इस चीज का, इसलिए हमें न्याय विद्या जानना जरूरी। और इसी तरह अगर आप उसको उस रूप में समझेंगे कि जैसे उन्होंने इस तरह स्वीकार कर लिया है दोनों चीजों, और दुकानदार अपनी अपनी बात कह रहा है लेकिन हम अपना निर्णय कर, यहां तक कि आपका यदि कोई रिश्तेदार भी दुकानदार हो उस बाजार में, तो वो ये कहेगा कि आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, अब मैं आपका रिश्तेदार हूं, आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, आप आंख बंद करके मेरी वस्तु ले जाओ, ऐसा कहेगा। तो हम आंख बंद करके फिर भी उसकी वस्तु नहीं लेते, वहां भी हम आंख खोल के रखते हैं कि कहीं ये अपने के चक्कर में मुझे ही ना ठग ले, ऐसा अक्सर होता है। हम आंख बंद कर लेते हैं कि तो अपने आदमी है, बाद में पता चलता है कि तो इन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। तो हम कहीं धोखा ना खा जाए इसलिए अपनी चीज का निरीक्षण भी हमें अच्छे से करना चाहिए, उसको नाप तौल करके ग्रहण करना चाहिए। देखो आप दुनिया में अनेक धर्म है, अनेक दर्शन है, और सब अपनी अपनी बात बोलते हैं, सभी आत्मा के बारे में कथन करते हैं, सभी लोग वस्तु तत्व वस्तु का स्वरूप बतलाते हैं, सभी लोग द्रव्य की भी मीमांसा करते हैं और जगत की मीमांसा करते हैं, सभी लोग ईश्वर का भी स्वरूप बतलाते हैं, और वो सभी लोग आपको स्वर्ग की बात भी बतलाएंगे, नरक की बात भी बतलाएंगे, अच्छा सबसे बड़ी बात वो सभी लोग मोक्ष की बात भी करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं, और यही कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो ही सही है, ऐसा निर्णय कर। तो जब इस तरह की एक समस्या खड़ी हो जाती है सबके बीच में कि हम किसकी बात को सही माने और किसकी बात को गलत माने, ऐसा होता है ना सबके मन में, जब एक ही तरह की बात हर जगह सुनाई देती है तो लगता है क्या बात है। तो एक तो उसका हम लोग दो तरह का समाधान करते हैं, जब ऐसी समस्या में फंस जाते हैं तो उसका दो तरह का समाधान करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि किसी एक धर्म या दर्शन को हम स्वीकार कर लेते आंख बंद करके, और उनको स्वीकार करके उनको अपना गुरु बना लेते हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा स्वीकार कर लेते। श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए गुरु पर, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। एक तो तरीका ये है भाई आपको जो गुरुजी बता रहे हैं उनको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो कहा है पहले एक जगह स्वीकार कर लो, एक पक्ष स्वीकार कर लो, मैं इस पक्ष का हूं, और उनकी बात को आंख बंद करके सुनते जाओ, चल जाओ, जो ज्ञान दें सो ले लो, ग्रहण कर लो और बहुत बढ़िया विद्वान बन जाओ, उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चलते चले जाओ। तो ये जो एक ऑप्शन मैंने ये बताया, ये वाला ऑप्शन 98% लोग इसी ऑप्शन को अपनाते हैं,
क्यों, कौन बुद्धि लगाए, कौन निर्णय करे, कौन अच्छे क्या करे, हम तो इन पर विश्वास, एक जगह विश्वास कर लो और उस तरह से काम। तो ये क्या हो गया, ये पक्ष हो गया। और इसमें ज्यादा बुद्धि की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा विवेक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरा पक्ष है। जैन परंपरा में भी ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं हम क्यों निर्णय करें, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, आप्त वचनम आगमा, आप्त के वचन को आगम कहा गया है और आप्त वीतरागी होते हैं और जो वीतरागियों के उपदेश हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, वही बतलाए गए और हमको वो चीज स्वीकार हो गई है क्योंकि हम सुर जन्म से सुनते आए हैं। तो हमको निर्णय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम निर्णय कर चुके। तो जिनको नहीं है निर्णय वो निर्णय करें, वो बुद्धि लगाएं, हमको तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मन में आता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप में और अन्य धर्म वालों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने परंपरा से उस चीज को स्वीकार कर लिया, उसकी परीक्षा नहीं की, उसका निर्णय नहीं किया, फाइनल डिसीजन नहीं किया, जैसा था वैसा मान लिया, ज्यों का त्यों, आसान रास्ता था। लेकिन उससे समस्या क्या हुई कि यदि आपका जन्म अन्य परंपरा में होता तो आप उसको स्वीकार कर लेते। क्यों? क्योंकि वही देखते सुनते पढ़ते वही मान लेते, जैसा कि दुनिया में होता ही है। अधिकांश लोग जहां जन्म हुआ है, जिस परंपरा में जिस धर्म में जन्म हुआ है, उनके यहां जिस चीज को आगम माना जाता है उसको आगम मान लेते। मान लो मुसलमान के यहाँ जन्म होता तो कुरान ही सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक एक वाक्य सही कहा गया है, उसके अलावा कुछ दुनिया में सही नहीं, ऐसा मान लेते। वैसे ही हम जैन परंपरा में जन्म हुआ तो जैन आगम में जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये हमने स्वीकार कर लिया। तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रहा, मतलब मुझ में और उसमें क्या फर्क रहा, मेरा जहां जुड़ा होता उसको मान लेते। इसमें श्रद्धा का खतरा हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं किया, खुद परीक्षा नहीं की है, इसलिए भटकने की बहुत सारी गुंजाइश रहती है। आंख बंद करके हमने बात को मान लिया लेकिन अभी उसका निर्णय बुद्धि से तर्क से उसकी डिसीजन नहीं किया, मतलब ये हमने डिसाइड नहीं किया है, प्री डिसाइडेड है उसको हमने मान लिया, तो उसमें हमने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, तो उसमें समस्याएं बहुत आगे जाकर के हो सकती हैं। क्योंकि हमको सिर्फ काम नहीं चलाना है, हमें तो तत्व का निर्णय करना है, स्वीकार करना है, फिर उस रास्ते पर चलना है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिला है, ये समागम बहुत दुर्लभता से मिले हैं, और हमारी आज थोड़ी बहुत हमको क्षोभशम है, बुद्धि है, हमारी इंद्रियां ठीक ठाक हैं, हम पढ़ लिख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ग्रंथ उपलब्ध हैं, पढ़ सकते हैं, माने हमारे पास इस समय सर्व प्रकार की अनुकूलता है। तो हम क्यों ना इसको डिसाइड कर लें, एक बार डिसाइड करेंगे, एक बार निर्णय कर लेंगे तो ये पक्का टंकोत्कीर्ण हो जाएगा हमारी आत्मा के अंदर, हमारे ज्ञान में निर्णय हो जाएगा। तो दुनिया की हर चीज हमारी मृत्यु के बाद बिखर जाएगी, लेकिन आत्मा में यदि इस चीज का निर्णय पक्का हो गया तो वो अगले भावों तक हमारे साथ जाएगा। इसलिए न्याय विद्या की बहुत आवश्यकता है। माने मानना तो सबको ही है, जो निर्णय करके मानेगा वो भी मान ही रहा है, जो परंपरा से मान रहा है वो भी मान रहा है, लेकिन जिसने निर्णय करके माना है उसका श्रद्धान ज्यादा मजबूत होता है। वो अगले किसी भाव में भटकेगा नहीं क्योंकि उसने इतने अच्छे से उसको डिसाइड कर लिया। माने इस जन्म में मान लीजिए हमने 100 तक गिनती पढ़ ली, मान लीजिए 100 तक पढ़नी है टोटल मोक्ष के लिए, तो आप समझ लो हमने इस जन्म में 20 तक गिनती पढ़ ली। अभी जितनी कोशिश पुरुषार्थ हम कर रहे हैं हमने 20 तक काउंटिंग कर ली। अब अगर वो काउंटिंग का पैटर्न हमारा निर्णीत तरीके से होगा तो 20 की काउंटिंग पक्की, लेकिन अगर वो अनिर्णीत दशा से 20 की काउंटिंग की है, यानी हमने डिसाइड नहीं किया बल्कि परंपरा से उसको स्वीकार कर लिया है, तो वो खतरे में पड़ सकती है 20 की गिनती। जैसे आप जानते हैं ना उपशम और क्षोभशम, जब जीव
आठवें गुण स्थान से श्रेणी मारता है तो जो छायिक भाव होता है वो तो बारहवें गुण स्थान में चला जाता है, लेकिन जो उपशम श्रेणी मारता है वो ग्यारहवें तक जाके फिर गिर के फिर आठवें में आता है, तो उसको वापस आना पड़ता है। लेकिन वो पहुंचा ना निकल के, वो भी तो ऊपर तो गया ग्यारहवें तक। तो ये भी कुछ ऐसी स्थिति है कि अगर हमने निर्णय कर लिया तो वो छायिक भाव पैदा हो और क्षय करते हुए, ज्ञानवर्णिकम का क्षय करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए भी न्याय विद्या तत्व ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मानुभूति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जन्म में हमको जो अगला भाव प्राप्त होगा उसमें 20 के आगे काउंटिंग पड़े, तो 20 पड़ी जा चुकी है, तो 20 के आगे का काम करना है ना, 21 से पढ़ना शुरू करेंगे। जो पहले हो चुका उसको दोबारा क्यों करें। लेकिन जिसने सिर्फ बिना निर्णय के श्रद्धान करके अकेला उसको 20 तक पढ़ लिया, उसको हो सकता है अगले भाव में फिर से एक से शुरू करना पड़े, क्योंकि वो अभी तक टंकोत्कीर्ण नहीं हुआ था, अभी तक अंदर तक गया नहीं था, कन्फर्म होके नहीं गया। इसलिए उसमें कोई संशय न रह जाए, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय, ऐसा इन तीनों चीजों से रहित जो ज्ञान होगा उसको तब जाकर के उस महत्वपूर्ण चीज की प्राप्ति होगी। निर्णय क्यों जरूरी है इस और समझ क्यों जरूरी है, इसके लिए एक और उदाहरण आपको देता हूं, बहुत आनंददायक है। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब थे, एक मरीज उनको दिखाने गया तो अपने रोग बताए कि साहब ये ठीक नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख दिया दवाई का नाम और उससे कहा कि देखो इसको दूध के साथ घोल करके पीना है और ये मेरी गारंटी है कि 2 दिन के अंदर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए। तो बोले साहब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आप ऐसी दवाई देना कि अब मैं तकलीफ सहन नहीं कर सकता हूँ, उसका स्थायी उपचार होना चाहिए। तुमने क्या कह रहा हूं ना, मैं मैंने ये लिख दिया, अब इसको आपको घोल के पीना है और ठीक करना, 2 दिन लगेंगे आप ठीक हो जाओगे, दूध के साथ घोल के पी लेना, इतना ध्यान रख। नहीं साहब आप जो कह रहे हो मैं उसका पालन करूंगा, समझ ली बात, अच्छे से गया। 2 दिन तक उसने बहुत पालन किया उसका, दवाई खाई सब किया, और 3rd दिन आया डॉक्टर के पास, बोला साहब वो आपने कहा था गारंटी से ठीक हो जाएगा, ऐसी गजब की दवाई दिए लेकिन वो तो ठीक नहीं हुआ। तो कह रहे हैं क्या हो गया, कहां से खरीदी थी तुमने दवाई, कौन सी, मैंने तो आयुर्वेद की बहुत बढ़िया क्वालिटी की दवाई बताई थी और आपने क्या अच्छे से दूध के साथ खाई थी। बोले हाँ पानी के साथ तो नहीं ली थी ना। बोले नहीं। तो कैसे ठीक नहीं हुई, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अच्छा बताओ वो दवाई किस दुकान से खरीदी थी तुमने, उसका कुछ बिल दिखाओ, दवाई ला के दिखाओ। तो बोले नहीं आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया। तो बोले किस दुकान से, बोले खरीदी थोड़ी हमने दवाई। तो बोले जैसा आपने कहा था हमने वैसा किया। बोले क्या किया तुमने, तो बोले आपने कहा था इसको दूध के साथ घोल करके पियो तो तुम्हारा 2 दिन में ठीक हो जाए। तो क्या किया, बोले वो जो आपने कागज दिया था ना जिसपे दवाई लिखी थी उसको मैंने घोलिया दूध के साथ और उसको पी लिया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। तो बोले तुमने दवाई नहीं खरीदी, बोले नहीं मैंने आपको लिख करके दिया था कि दवाई दूध के साथ घोल करके पीनी है, ये पर्चा घोल करके नहीं पीना है। नहीं आपने जो वचन कहे थे मैंने, आपने कहा था ना इसको ऐसे पेन दिखा के कहा था ना इसको घोल करके पीना है दूध के साथ, तो वो क्या समझा, इस कागज को घोल करके पीना है। अब आप बताओ अगर हम वाक्य को पकड़ करके बिना युक्ति पूर्वक अभिप्राय समझे बिना बिना उसके अर्थ लगाएंगे तो क्या हमारे इस भव रोग का उपशमन होगा, क्या हमारा भव रोग दूर होगा। हमने बात तो सही मानी है, उन्होंने कहा भी था, बोले हमें रिकॉर्डिंग है मेरे पास, देखो आपने कहा था कि इसको घोल के पीना और इशारा भी किया था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, आपने ये कहाँ कहा था ये वाली दवाई खरीद के लाना फिर पीना घोल के, ऐसा तो आपने कहा नहीं। अब आप देखो ना उसने
डॉक्टर का अभिप्राय समझा, न युक्ति लगाई, अच्छा चलो कुछ नहीं समझा तो इतनी बुद्धि तो लगा था कि कागज घोल के नहीं पिया जाता है, दवाई घोल के पी जाती, तो इतनी युक्ति, अगर युक्ति से निर्णय नहीं किया तो कैसे काम आगे बढ़े। ये ही समस्या हमारे साथ मोक्ष मार्ग में भी हो रही है। हम तुरंत तुरंत डिसाइड कर लेते हैं बिना बुद्धि बिना परीक्षण के। इसलिए हमें आचार्यों ने कहा कि भली भांति परीक्षा करके नीति पूर्वक युक्ति पूर्वक हमको निर्णय करना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक प्राकृत की गाथा बताता हूं, हमारी कसाय पाउट सुक्त में आई है, उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है। उसमें लिखा है, जुत्ती बिरहिय गुरु वैणादो पैमाणस प्रमाणानुसारित्व विरोहो दो। ये प्राकृत में लिखा है। और प्राकृत की चर्चा चल रही है तो मैं आपसे बताऊं, हम लोग जय जिनेन्द्र करते हैं तो हम लोग जब अपनी कक्षा कल से प्रारंभ करेंगे तो हम लोग उड़मो जिड़ाणम बोले, एक मंत्र है, नमस्कार मंत्र है। संक्षेप में हम लोग इस कक्षा की विशेषता बताएंगे कि हम लोग उड़मो जिड़ाणम करके ही अपनी कक्षा प्रारंभ करें, आपस में अभिवादन करेंगे तो उड़मो जिड़ाणम। इस देखिए इस संदर्भ में क्या बात कही गई है, वो कहते हैं कि जो शिष्य युक्ति की अपेक्षा किए बिना, मैंने युक्ति की जरूरत नहीं समझता है, मात्र गुरु वचन के अनुसार प्रवृत्ति करता है कि हमारे गुरु जी ने ये कहा है मुझे तो आंख बंद करके मानना है, लेकिन युक्ति नहीं लगाता है उसमें, परीक्षा नहीं करता है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। मैंने प्रमाण मानने में विरोध आता है कि ये प्रामाणिक इसका कार्य है, ऐसा मानने में दिक्कत। तो कहते गुरु ने कहा वैसा कर लिया, वैसे ही जो डॉक्टर ने कहा था मैंने वैसा कर लिया, बोले इसलिए क्योंकि उसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपनी युक्ति नहीं लगाई। इसलिए हमको न्याय शास्त्र को बहुत गंभीरता से बहुत सजगता से पढ़ना चाहिए। इसकी शब्दावलियां भी हैं, अब मेरी जो भी आगे क्लास चलेगी मैं एक एक शब्द का बिल्कुल सरल सरल मीनिंग आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक जुड़े रहना और ये समझना, ये मत विचार करना आप, एक तो कठिन शब्द को भूल जाना कि कठिन, कठिन कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बताता हूं कठिन क्या है, कठिन किसको कहते, ये जो कंप्यूटर है ना इसकी एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, वो कठिन होती है। आज 8 साल का 10 साल का बच्चा भी कोडिंग करने लग गया है, जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है क्या चीज, कठिन वो है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो बुद्धि तो बहुत है लोगों के अंदर और इतने सूक्ष्म अध्ययन कर लेते हैं जगत के, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कैसे कर ले, और ये उतना सूक्ष्म नहीं है, मैंने उसमें जितनी बुद्धि लगती है इसमें उसकी आधी बुद्धि से भी काम चल जाए, क्योंकि जगत की चीजों में हमारा उपयोग बहुत लगा हुआ है और उसके संस्कार बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमको वो आसान लगती है। ये चीज उतनी कठिन नहीं है जितनी हमने सोच रखी, हमारे दिमाग में कठिनाई है। तो एक तो आप कठिनाई को दूर करना अपना अपने मन से, कि एक तो ये नहीं मानना कि बहुत टफ है बहुत स्ट्रिक्ट, ऐसे नहीं मानना, एक तो ये मान के चलना कि बहुत सहज है बहुत सरल है, और बहुत सावधानी पूर्वक हमको इस विद्या को समझना है। यानी आप समझ लो ये साधन है, न्याय विद्या एक साधन है, टूल्स हैं। अगर उन टूल्स को, उस तराजू को हम ढंग से समझ जाएंगे तो हमको मापने में कभी दिक्कत नहीं होगी, निर्णय करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो एक इसके यूनिवर्सल जो नियम बनाए गए हैं न्याय के, वो जैन लोग भी मानते हैं उसको, नैयायिक भी मानते हैं, बौद्ध दर्शन वाले भी मानते हैं, सब दर्शन वाले उन चीजों को मानते हैं कि साहब ये अपनी एक तराजू है, इस तराजू पे हम सब अपने अपनी बातों को तौले। तो जैनाचार्य ने उन्हीं टूल्स को यूज किया जो पूरी दुनिया में चलते हैं पूरे दर्शन जगत में, और उस टूल्स से वीतरागता की सिद्धि की, सर्वज्ञता की सिद्धि की है, केवल ज्ञान की सिद्धि की है। जैसे समंत भद्राचार्य जैसे भी आपने सबने नाम सुना होगा, अपने दूसरी शताब्दी में आचार्य समंत भद्र हुए, ये महान तार्किक आचार्य, इन्होंने
आप्त की भी परीक्षा कर डाली, आप्त माने भगवान की। तो आप सोचो किसी से कहो कि भगवान की परीक्षा करना है हमको, तो वो कहेगा कितनी हिम्मत है तुम्हारी, तुम भगवान पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हो, भगवान की परीक्षा कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आप्त परीक्षा करूं, ग्रंथ का ही नाम लिख दिया आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा। आचार्य विद्यानंद हुए, उन्होंने आप्त परीक्षा ग्रंथ लिख दिया। आचार्य सामंतपत्र ने आप्त मीमांसा ग्रंथ रख दी। अब उनका एक उदाहरण आपको बताता हूं, आपको महिमा आएगी उनकी। वो लिखते हैं, देवागम नभोया न चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तो मसी नो महान। ये तो मैं ऐसे ही कारिका सुना दी, मुझे याद थी, लेकिन इसका भाव आप समझो। देखो वो ये कहते हैं कि देखो आपका समोसरण लग गया है भगवान, तीर्थंकर भगवान, देवलोक भी आ रहे हैं आकाश से, ये अष्ट प्रातिहारियों की रचना भी हो रही, बहुत विभूतियां, सौधर्मेंद्र आया है, कुबेर ने रचना कर दी, दुनिया भर का ऐसा तामझाम हो रहा है, तो तीर्थंकरों के साथ तो होता ही है ऐसा ये सब। तो वो कह रहे हैं ये छत्र चंवर आदि जो विभूतियां हैं, देवों का आगमन हो रहा है, मैं भगवान आपको इस कारण से भगवान नहीं मानता हूं, दुनिया मानती होगी। वैभव ऐश्वर्य, ईश्वर किसको कहते हैं? जो ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर है। माने ईश्वर के कुछ लक्षण है कि उनके पास सर शक्ति होती है, ऐसा वैभव होता है, सब चीज होती है, तो आपके भी ये सब दिख रहा है, लेकिन मैं इस कारण से आपको महान नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? उनने सबसे बड़ी परीक्षा की। क्या वो कह रहे हैं ये सब चीज तो कोई जादूगर भी कर लेता है, जो मिथ्या मार्ग के प्रवर्तक होते हैं, जो गलत रास्ता बताने वाले होते हैं, ऐसा तामझाम तो वो भी इकट्ठा कर लेते हैं लोगों को बहलाने के लिए, अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए। तो अगर मैं इस कारण से आपको भगवान मानूं तो मैं आपका सच्चा भक्त नहीं, इसीलिए मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता हूं। देखना आप, वो पर्याय दृष्टि से महान नहीं मान रहे उनको, कि आपके भाई बड़े राजा के यहाँ जन्म हो गया, बहुत बड़े तीर्थंकर हो गए, बहुत बड़े ये, बोले ये सब ठीक है, होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम इस कारण से आपको महान नहीं मानते हैं। उन्होंने ये सोच करके अपनी बात, मैंने अपना मुद्दा ये बनाया उन्होंने, और फिर पूरा आप्तमीमांसा ग्रंथ लिख दिया। तो हम लोग तर्क प्रधानी बने, परीक्षा प्रधानी बने, युक्ति प्रधानी बने, हम युक्ति युक्त निर्णय करें। बहुत जगह शास्त्रों में इस तरह की बात आई है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैं अब क्रम से आपको एक एक वस्तु तत्व का निर्णय करते हुए, एक एक शब्द के माध्यम से कि प्रमाण क्या कहलाता है। प्रमाण को समझने के पहले हमको लक्षण को समझना बहुत जरूरी है, लक्षण क्या कहलाता है, उसमें कौन कौन से दोष होते हैं, इन सब चीज को क्रम से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप इसी तरह जुड़े रहिए, मुझे लगता है समय हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, जो थोड़ी बहुत रह गई मैं कल आपसे करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप इन चीजों को क्रमशः याद भी करते चलिए। मैं बोल बोल के आपकी बताऊंगा आपको, तो अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा याद भी करते चलेंगे ना, तो आपका ज्ञान उतना ही मजबूत होता चलेगा। पहला शर्त मैंने बताई, इसको ये मानना छोड़ दोगे कठिन, दूसरा ये मानो कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना काम ही नहीं होना। आप समझो अध्यात्म शास्त्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है न्याय। कई बार लोग कहते हैं ना भाई अध्यात्म में इसकी क्या जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरी है अध्यात्म के लिए। क्यों? जैसे द्रव्यानि योग है, तो द्रव्यानि योग के हम जो भी भाग करें उसमें अध्यात्म शास्त्र भी आते हैं, सिद्धांत शास्त्र भी आते हैं, न्याय शास्त्र भी आते हैं। तो ये द्रव्यान योग ही पढ़ रहे हैं ऐसा मान करके हमको पढ़ना चाहिए, तभी इसकी हमको महिमा भी आएगी, इसकी आवश्यकता भी समझ में आएगी। कल हम लोग न्याय शब्द का क्या व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है संस्कृत में, उसका अर्थ समझेंगे। न्याय शास्त्र का क्या उद्देश्य है, इसका क्या प्रयोजन है, इसके और कितने नाम हैं, फिर उसके बाद लक्षण क्या कहलाता है। मैंने एक पूरी सिनॉप्सिस बना रखी है क्रम से पढ़ाने के लिए, तो जितना अपने पास समय है मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से
सरल से सरल तरीके से आपको बात आपके दिमाग में बिठा दूं, और पूरे 8 दिन में अगर आपको न्याय शास्त्र के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो गई तो अपनी ये कक्षा चलाना सफल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत तीक्ष्ण रुचि चाहिए और तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। ये भी आप सुन लें, हमारे गुरु जी कहते थे जिसने देसी घी खाया हो उसको ही न्याय समझ में आता है, डालडा खाने वालों को न्याय समझ में नहीं आता है, ऐसा वो बोलते थे हम लोगों से। तो इसके लिए बुद्धि भी थोड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए, अपनी बुद्धि को माजना भी पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है, तब वो गहरी बात समझेंगे। और इसको पढ़ के आपको सबसे ज्यादा ये लाभ होगा कि जब भी आप किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो आप वहां बहुत युक्ति से निर्णय करते हुए आगे बढ़े, उसमें आपको कभी स्खलन नहीं होगा, और जो निर्णय होगा वो पक्का निर्णय होगा, पक्षपात से रहित निर्णय होगा, और वो हमारे भव रोग को दूर करने वाला निर्णय होगा। तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय और आगे की पढ़ाई हम फिर करेंगे। कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग मैसेज में भेज दीजिएगा, मैं उसको एक बार देख करके कल की कक्षा में लेने की कोशिश करूँ। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र, नमो जिनाणु।